वालेकुम जी, कौन साहब? जी राजेश जी, राजेश सर बोल रहे हैं औरंगाबाद से। साजिद जी औरंगाबाद से, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा किस मसलक से? मसलक कुछ भी दिए करा। अच्छा अच्छा जी बताइए क्या मामला है। मुसलमान है, देवबंदी भी है, अहले सुन्नत वाल जमात भी है, तो मसलक भी है। ये वीडियो देख रहा था सर मैं आपका, आज वीडियो डाले आपके सारे जम्मू काश्मीर। अच्छा 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 जी जी, वो जो है ना, तो अपने अहले सुन्नत वाल जमात बरेली मसलक के उलमा हजरात है वो, और वो पढ़ रहे वो मिलाप उनके पास गए हुए वो, इसलिए मैं थोड़े से आपकी वजाहत के लिए फोन किया है। अच्छा मतलब बरेलवी लोग मिलाद पढ़ रहे थे तो वहाँ जाके बैठ गए तारिक जमील? नहीं, वो लोग आए वहाँ पे मिलने घूमने से उनकी इयादत के लिए। अच्छा, उनकी इयादत के लिए बरेलवी लोग आए? हाँ, शिया लोग भी आते हैं, हर मसलक के लोग आते हैं उनके पास, वो भी जाते आपके पास। अच्छा, आप पाकिस्तान से है क्या? नहीं नहीं, मैं तो औरंगाबाद से। औरंगाबाद से है, आपको कैसे पता कि वो बरेलवी है? उनका हुलिया बता रहा सर। और मुझे उनका हुलिया बता रहा है कि वो जो है देवबंदी है, पक्के मुरादिक है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अगर सही ईमान वाले हैं तो आप 2 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सही ईमान वाले हैं जी। और तारिक जमील के 1 मिनट, आप बात सुनते नहीं। देखो देखो, मैं भी मैं बरेली मसलक का भी हूँ, मैं नहीं है वैसा। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, वो लिबास 2 मिनट में समझ में आता है, क्योंकि जो अहले ये जो है ना देवबंदी लोग, ये ऐसे नीले काले जैकेट ऐसी रंगी बिरंगी टोपी कभी नहीं पहनती, अपने मसलक के लोग ही पहनती है। बहरहाल, हम सुन्नी हनफी बरेलवियों में से जो सुन्नी सही अकीदा है, जो सख्ती से अहले सुन्नत जमात पर कायम है जी, वो कभी भी देवबंदियों के साथ जाकर इस तरह के काम नहीं करता। ये बीच के लोग होते हैं, मुनाफिक लोग होते हैं, सुलह कुल्ली लोग होते हैं, या फिर ऐसे गजड़ी वजड़ी लोग होते हैं जो दरगाहों पर रहते हैं। उन्हें अहले सुन्नत से कोई मसला नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं दूर से दूर तक का, सिर्फ खाना कमाना रहता है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहा है, ठीक है, वो अहले सुन्नत अगर साबित कर दें तो 1000 रुपए नकद अभी इनाम के। पैसे की बात करेंगे, अपने दीन की, दीन का मसला है, पैसे कहा जाते दीन। आपने कहा कि वो अहले सुन्नत बरेलवी है, बिल्कुल बिल्कुल, लिबास से बिल्कुल 100%। आपने लिबास से, आप भी मोदी जी की बात कर रहे हैं? नहीं, लिबास से पहचान होती है? नहीं है ना, ये तो कोई सबूत नहीं है ना कि लिबास से, क्या कोई सनद है ये लिबास? अगर सनद है तो आप इसकी दलील पेश कीजिए। दलील का तो नहीं है, लेकिन तो आप गलत क्यों बोल रहे हैं भाई? गलत नहीं, आप गलत ना बोले, देखिए सुनिए। अच्छा चलिए, कोई बरेलवी अगर जाके वहाँ मिलाद पढ़ने लगा जी, तो फिर तारिक जमील को मना करना चाहिए कि भाई ये क्या शिर का काम कर रहे हो, क्या बिदत का काम कर रहे हो? यार, एक बिदत के काम को खामोशी से तारिक जमील सुन रहे, एक आलिम हो के। तारिक, क्या बात है, तारिक जमील साहब की एक बात बताऊं मैं, वो कभी किसी की जो है ना तनकीद ही नहीं करते। ऐसा है, ऐसे ही लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। मुनाफिकत की बात अलग है साहब, मुनाफिक लोग अलग। देखिए, आपको तारिक जमील से बहुत मोहब्बत है मैं जानता हूँ, ठीक है, पर आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत एक जगह, एक मिनट, आपकी मोहब्बत ठीक है अपनी जगह जी, मगर आप मुझे ये बताएं, एक आलिम गलत काम होता हुआ देखे और ना बोले, शरीयत ने उसको क्या कहा है? गुंगा शैतान कहा है कि नहीं कहा है? बस इतना जवाब दीजिए आप। बिल्कुल, वो तो रोकना है। तो फिर गुंगा शैतान हुआ कि नहीं हुआ तारिक जमील? अगर उसके बेटे की शादी में वो कसीदा पढ़ रहा है, वो मिलाद वहाँ पढ़ने लगा है, चाहे वो कोई भी है, तो फिर तारिक जमील ने अपनी मौजूदगी में फिर ये बिदत वाला काम, गुमराही वाला काम क्यों करवाया? क्यों सुन रहा है खामोशी के साथ? क्यों गूंगे शैतान की सी, मतलब जो है उसने अपने ऊपर मिसाल फिट करवाई? बताइए, आप जवाब दीजिए मुझे। जवाब का ऐसा है, देखो ये इस्लाम, वो उनका 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 जो तरीका है ना, वो बहुत अलग तरीके से। देखिए भैया, देखिए देखिए, हम सब जानते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं। देखिए, हम सब जानते हैं कि किसका क्या तरीका है। तो आपको तारिक जमील साहब से मोहब्बत है, आपने जो है मोहब्बत है जितनी तारिक जमील साहब से, ये बात। भैया, हम ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं करते, हमारा तो साफ कहना है। देखो, साफ कहना, दुखी रहना, हम सिर्फ मोमिनों से मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन कितना मालदार है, कौन कितना पैसे वाला है, कौन कितना अमीर है।
मोमिन तो हम तो ये देखते हैं कि किसके दिल में हमारे नबी की कितनी मोहब्बत है। दिन वो अल्लाह अल्लाह बताएगा कौन मोमिन है और कौन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अकले सलीम अता की है लोगों को, इंसानों को अकले सलीम अता की है और पहचानने की भी जो है अल्लाह ताला ने तौफीक अता की है कि पहचानो, समझे। अगर अल्लाह ही सब फैसला करेगा तो फिर कुरान और हदीस में शरीयत के मामले में ये सब वजाहतें क्यों की, पहचाने क्यों कराई, बताइए। अच्छा एक और चीज, चलिए आपके ही बकौल आपने कहा कि अल्लाह फैसला करेगा जी, तो फिर आपके देवबंदी हजरात हम सुन्नी हनफी बरेलवियों को, हम मुसलमानों को मुशरिक क्यों कहते हैं, कबर पजुआ क्यों कहते हैं, चलिए जवाब दीजिए। अब देखो मैं भी अहले सुन्नत और जमात से ताल्लुक रखने वाला है, मैं ऐसे इंसान को अहले सुन्नत नहीं मानता जो देवबंदियों को भी गीत गाए, देवबंदियों से भी मोहब्बत करे, पूरे बात के दौरान से भी मोहब्बत करे और मुसलमानों से भी जो है मिलजुल कहे। ये तो मुनाफिकत हो गई, जैसे कि मुनाफिक कहते थे कि हम ईमान ले आए या रसूलुल्लाह, ईमान ले आए, मुसलमान हो गए, और जब वो अपने लोगों से मिलते थे कहते थे हम तो यूं ही हंसी मजाक के लिए जाते हैं, यूं ही मतलब दिल लगी के लिए जाते हैं उधर। आपने तो वही मामला कर दिया यार, ये तो बात अच्छी नहीं है भाई आपकी। अब उन यहूदियों से कलमा गो लोगों को मिला दे रहे, हर जगह पे कलमा गो लोगों को मिला दे रहे। अरे कुरान का अटल फैसला है, हमारी बात सुनिए, आपके दिल में भी उतनी अजमत और उतनी मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए सुनिए, जो रसूल पाक की शान में तौहीन करे वो मुसलमान हो सकता है क्या, बताइए। जो रसूल पाक की शान में तौहीन करे वो मुसलमान हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, ना नहीं हो सकता ना। माशाल्लाह आपकी बात बहुत अच्छी लगी जी, हुजूर का गुस्ताख कभी मुसलमान नहीं हो सकता, ठीक है जी। इस तारिक जमीन ने जी अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए, अल्लाह तू जमीन पर आजा हम तेरे पैर पकड़ लें, क्या अल्लाह ताला के पैर है? ये दो बातें जिसमें समझो आप। मैं अभी वही लगाऊंगा, मैं अल्लाह के नबियों वाली बात पर लगाऊंगा जी। पहले आप मुझे पहले इस बात का जवाब दे रहे, थोड़ा सा बैकग्राउंड जमाना जरूरी भी है। तस्वीर कर ही नहीं सकते ना, हर चीज से पाक है, अल्लाह को तस्वीर कर ही नहीं सकते। अल्लाह हर चीज हर जो है जिस्म के हर हिस्से से पाक है, बिल्कुल एक नूर है ना, नूर अल्लाह। क्या बात है यार, आप बहुत समझदार इंसान है, बात को एकदम पकड़ लेते हैं। जब अल्लाह जिस्म से पाक है तो फिर अल्लाह के लिए ये बात करना, ये बोलना कि ये अल्लाह तू जमीन पर आजा तेरे पैर पकड़ ले, या फिर ये कहना कि अल्लाह ताला अपने बंदों के कंधों पर हाथ रख के कहता है ए मेरे बंदों किधर जा रहे हो, या फिर ये कहना कि हूरों का मेकअप अल्लाह ताला अपने हाथ से करेगा, ये सब क्या है, ईमान है कि कुफ्र है? ये मुस्लिम देखा जाए तो कुफ्र ही है, कुफ्र है ना जी। जब आप अच्छा आप आलिम है गैर आलिम है? नहीं नहीं, मैं पहले बोला मैं ना आलिम हूँ ना हाफिज हूँ। देखिए जब एक आप एक गैर आलिम है और गैर आलिम होते हुए जी आपने ये जान लिया कि अल्लाह ताला जो है वो जिस्म से पाक है बेशक, और अब इस तरह की बातें करना आपने ये जान लिया कि ये कुफ्रिया है, ये कुफ्र से खाली नहीं है जी, तो एक आलिम दीन होकर भी क्यों नहीं जानता कि ये बातें करना कुफ्र है, आप बताइए। ये जब दुआ पढ़ते ना, मैंने अपने अहले सुन्नत और जमात के भी कई मौलाना से सुना, जब दुआ पढ़ते ना या अल्लाह तू हमें देख रहा है हम, अरे भाई वो तो ठीक है मगर अल्लाह ताला के लिए जिस्म का तस्लीम कर लेना, तो देखना आयना देख रहा है तू हमें देख रहा है या अल्लाह हम तेरे कदमों में जो, ये अपने मौलानों से भी सुना मैंने। अरे यार देखिए ये अपने मौलाना कहना छोड़ दीजिए, सीधा कहिए कि बरेलवी आलिमों से सुना, और मुझे बताइए वो कौन सा बरेलवी आलिम है कि जिसके मुंह आपने सुना, चलिए सबूत पेश कीजिए आप। अभी तो देखो मैं बयानों में सुना तो मैंने को झूठ बोलने से देखो काम नहीं चलेगा, काफी है भाई झूठ बोलने वाला अल्लाह मेरे को अल्लाह को जवाब दे रहा है। चीज और मैं यहाँ आपकी इस्लाह करूँ, झूठ बोलने वाला काफिर नहीं होता, झूठ बोलने वाला काफिर नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला की लानत होती है झूठ बोलने वाले पर, बेशक लानत। तो आपने एक लफ्ज अपनी तरफ से ऐड कर दिया काफिर, तो शरीयत में अपनी तरफ से बात को ऐड कर रहा है, ये क्या है? मेरा मकसद ये थोड़ी है कि मैं किसी, देखिए आपने अपने आप को काफिर साबित करने की कोशिश की मगर मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ, आप अपने आप को काफिर मत कहिए। नहीं मैं इसलिए कह क्योंकि मैंने सुना बोल के इतना बड़ा आपने सुना, आपको गलत सुनवाया गया, आपको गलत बताया गया, अगर आपने ऐसा सुना है कि झूठ बोलने वाला काफिर है तो आपने गलत सुना है जी।
हाँ मैं आपकी सलाह कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। झूठ बोलने वाला काफिर नहीं होता, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह का आज़ाब होता, अल्लाह का इताब होता है, अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह की फरिश्तों की लानत होती है, समझे, मुसलमानों की लानत होती है ना, काफिर नहीं होता। चलिए फिर वही चलिए नबियों की शान में गुस्ताखी करने वाले पर, ठीक है। तारिक जमील ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान में इतनी भयानक तौहीन की कि देवबंदियों ने ही इस पे कुफ्र का फतवा लगाया, बेशक लगाया ना, तो गधे पे बिठा दिए। देखिए आपने भी सुना है, जो बात मैं कहने जा रहा था वो आपने मेरे कहने से पहले ही समझ लिया, पकड़ कर ली, बहुत तेज आदमी है आप। बोला तो गलती को गलत बोलूंगा ना। जी 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 माशाल्लाह, बहुत जल्दी कैच किया आपने। और उन्होंने एक और इजाफा कर लो, आप और एक इजाफा कर लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है तो सहाबाओं ने जो पूछे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपको जो है तो गुसल कौन देगा, ये सब तो पूछे आपसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी पूछा गया कि आपकी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, है ना। हेलो जी 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 सुन रहा हूं। आपकी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, तो आपने कहा आप में से कोई भी नहीं पढ़ेगा, सबसे पहले जो है तो नौज बिल्ला मेरा अल्लाह मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा, उसके बाद जिब्रील पढ़ाएगा, फिर मिकाइल पढ़ाएगा, फिर इसराफिल पढ़ाएगा अलैहिस्सलाम। तो ये जो है तो उन्होंने बयान में ये बात करे सबसे पहले मेरा अल्लाह पढ़ेगा। तो अच्छा आप ये बात बताइए मुझे भाईजान, सुनो फिर मेरी, तो जब मैंने ये सुना तो नौज बिल्ला मैंने तो बोलते वक्त ही बोल दिया नौज बिल्ला सबसे पहले मेरा अल्लाह पढ़ेंगे, ये बोले उन्होंने अल्लाह को तस्वीर अल्लाह का, वो ये तो सोचने वाली बात है अल्लाह पढ़ाएंगे क्यों ये नमाज ना? तो उन्होंने ऐसी कई गलतियां की और इसके बाद में रुजू भी करे बाद में उन्होंने जो बयान गलत करे, लेकिन ये जो यूसुफ अलैहि सलाम के बारे में ना तो रुजू नहीं करे अभी तक, मैंने नहीं सुना जी। अरे ये नहीं है रुजू, तनकीद करे कि आप रुजू करो, रुजू करो कि ये बहुत बड़ी गलती है, एक पैगंबर को जो है ऐसा सोचना भी गलत है, यहूदियों की जो है ये बातें है और वो मिक्स हो गई हुई इस्लाम के अंदर, तो उसको जो है तो तुम जो है तो अलैलान जो है तो ऐसे बयान कर रहे, तो उसको तुम जो है तो रुजू करो, लेकिन उन्होंने शायद रुजू नहीं कर रहे या उनके ये बाद में ये बयान कोई उलमाओं की जो बात है उनके जहन में आई या नहीं आई पता नहीं, लेकिन जहाँ उन्होंने जैसे ये अल्लाह का अल्लाह नमाज पढ़ेंगे इसके लिए उन्होंने रुजू करे थे। चलिए आपके जहन नशीन में कुछ बातें कर दूं जी, आपने खुद ही इस बात को मुझे बताया, मेरे बताने से पहले ही आपने इस बात को बता दिया कि उन्होंने ऐसा कहा जी। अच्छा अल्लाह ताला रोजा नहीं रखता मगर उसके बंदे रखते हैं, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया जी, अल्लाह ताला जकात से पाके, अल्लाह ताला जकात नहीं देता, अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता, नमाज अल्लाह ताला पाके, ठीक है जी। मगर एक ऐसा अमल है जो हम भी करते हैं और रब भी करता है, बताइए वो कौन सा अमल है। नहीं मेरी एकदम खैर कोई बात नहीं, देखिए वहाबी देवबंदी जिस अमल पर एतराज करते हैं जी, वहाबी देवबंदी जिस अमल पर एतराज करते हैं वो अमल है दरूदो सलाम जी, समझे। अच्छा हम दरूदो सलाम पढ़ते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर, ठीक है जी। मगर वहाबी देवबंदी हमको इस दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से, सलाम पढ़ने की वजह से बिदअती बताते हैं। अच्छा। जबकि कुरान का ऐलान है। अच्छा समझे, अल्लाह ने ऐलान किया क्या कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं, दुरूद सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला मुखातिब किससे है, ईमान वालों से जी। तो जब ईमान वालों से कहा तो ईमान वाले ही तो करेंगे ना, बेशक जो नहीं करता वो अब कौन हुआ आप समझ लीजिए, जो इनकार करता है या जो किसी को रोकता है मना करता है कि भाई तू ये अमल मत कर, तो उसको क्या समझेंगे, नहीं ईमान वाला समझेंगे, क्योंकि ईमान वाले से अल्लाह ने कहा है कि ए ईमान वालों तुम भी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब दुरूद सलाम पढ़ा करो भेजा करो, बिल्कुल है ना, देवबंदी भी भेजते जब जो नहीं पढ़ेगा बिल्कुल इनकार करेगा उसके लिए आपकी बात फिट होती है। देखिए अब यहाँ मसला थोड़ा सा क्या हो गया, खड़े रह के पढ़ना नहीं पढ़ना इससे जो है तो इस्लाम में जो तो देखिए 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 ये सब बात की बात है, ये बात की बात है। अच्छा एक और चीज जी, देवबंदी वहाबी मिलाद करे ना करे दरूद शरीफ पढ़े ना पढ़े
इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई झगड़ा नहीं जी। ठीक है, जैसे कि अभी तारिक जमील साहब ने अपने बेटे के नमाज जनाजे नमाजा पढ़ाई जी, ठीक है जी। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद हाथ उठा के दुआ की जी, मगर दूसरे लोगों के लिए अगर हम लोग करें तो ये बिदत है, तारिक जमील करें तो ये जायज है। किसी मौलवी का कोई ऐलान आया, कोई बयान आया, नहीं आया ना और आएगा भी नहीं। ये कहते हैं कि पक्की कबर बनाना मना है, गलत है। तारिक जमील ने अपने बेटे की कबर पे ईंटें रखे कि नहीं, और बहुत सारे ढेरों फूल डाले कि नहीं डाले। ये क्या कहते हैं कि फूल डालना भी रहता है जी, कहते हैं ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना, मैंने कई कई बयान, आपने नहीं सुना तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, सुनने के अलावा मैं कई देवबंदियों की जो है मौसम में शिरकत किया ना, तो फूल डालते वहाँ पे बराबर। और ये बाज लोग जो है तो हाथ जो है ऐसे अपने चीज में आपकी दुआ पढ़ते कर भी पड़े लोगों को। एक चीज में और आपसे जानकारी करता हूँ जी, ये देवबंदी लोग कहते हैं पक्की कबर बनाना मना है जी। तारिक जमील का बेटा जहाँ दफन हुआ है जी, मैं तो कहता हूँ कि तारिक जमील के बेटे का जहाँ गड्ढा खुदा है जी, गड्ढा ही खुदा है, वो कबर नहीं है। मैं क्या कहूँ, मैं तो जो भी कहता हूँ, जो भी मैं हूँ वो खुल के बोलता हूँ। दुश्मन के लिए दुश्मनी वाले लफ्ज ही इस्तेमाल करते हैं, और ये लफ्ज ही बताते हैं कि कौन किससे मोहब्बत करता है और कौन किससे नफरत करता है। नहीं, आपके अंदर जो है ना तो बहुत एक किस्म का जो है, बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, मुसलमान रसूल पाक के दुश्मन की बुराई करने में भी सवाब मिलता है। नहीं नहीं, कैसे मिलेगा सवाब, वो तो सोचने को पहले पढ़ो तब्बत यदा जी, पढ़ो तब्बत यदा, समझा नहीं। अभी आप कुरान को नहीं जानते, शरीयत को नहीं जानते हो, तो बस इतना ही सुनो जितना मैंने कह दिया है ना, साबित करूंगा इंशाल्लाह। सुनो, मैं पहले जो बात करने जा रहा हूँ भाई, उसको सुन लीजिए ना सर, माफिस बन जाता है तो ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप भुलवा दो, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। बहुत इल्म है मेरे पास में, ऐसा नहीं है नहीं बोल के आप एकदम करो, और मेरे भी नॉलेज में है कि आप भी। बहरहाल मैं ये बताने जा रहा था कि जहाँ पे तारिक जमील के बेटे आसिम की कब्र खुदी है जी, उसी जगह पक्की कब्रें हैं, और वो भी तारिक जमील के खानदान वालों की है जी। देखा है कि नहीं देखा आपने पक्की कब्रों को? बहुत सी कब्रें हैं, देखा मैंने बहुत सी कब्रें हैं। तो हम अगर पक्की कब्र बनाए किसी वली की, किसी बुजुर्ग की जी, हालांकि जमीन में से नहीं होती वो, नहीं जमीन में से नहीं होती, सिर्फ ऊपर जो है इमारत बना दी जाती है, ऊपर से जो है मतलब उसको उसके ऊपर ईंटें बिछा दिए जाते हैं जी जी, ठीक है जी, और ये जायज है और बुजुर्गों से साबित है जी। मगर हम करें तो गलत, देवबंदी करें तो सब सही, सब जायज, ये कहां का इंसाफ है? क्या शरीयत में झोलझाल है? नहीं, बेशक शरीयत तो सबके लिए एक है ना, सारे मुसलमानों के लिए जी। तो जब वो लोग मुसलमान है ही नहीं, तो फिर वो तो जो चाहेंगे वो मुसलमानों को कहेंगे, क्योंकि अपने मुखालिफ की हर कोई बुराई करता है, जैसे कि देवबंदी हमारे नबी की बुराई करते हैं। नहीं करते, नहीं करते, सोचिए एक बस ये एक अपने अंदर वहम नहीं है। साबित करूं, साबित करूं, साबित करो आप, बिल्कुल करो। सुनिए आप, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तौहीन की है जी, है कि नहीं जी? तो ये तारिक जमील देवबंदी है कि नहीं? देवबंदी है, इसने सीखा कहां से ये? देवबंदियों से तो सीखा ये मैंने तो पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम थे, मैंने उनसे सुना था, वो उन्होंने बोले ये यहूदियों की जो है कोई बहुत पुरानी रिवायत है। अच्छा अच्छा, तो आप ये भी पता चला कि तारिक जमील का टाका जो है, जो मतलब जो मेल जोल है, वो यहूदियों से भी है। जय नहीं, 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 आप बात आपके बकौल, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, यहूदियों से नहीं है, यहूदियों की एक कोई पुरानी वो बात है, वो जो है तो अपने बाज उलमाओं के अंदर किताब के अंदर घुसड़ लीजिए, उन्होंने वो पढ़ ली हुई, ये बोल रहा मैं, उन्होंने यहूदियों की किताब। आप अपने तरफ से कयास कैसे कर रहे हैं? कयास नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान के बहुत बड़ा मंजूर मांगल पुस्तक नाम है देखो उनका, उनके बयान में सुना था मैंने। मैं उनको भी जानता हूँ, वो भी बहुत बड़ा, मैं क्या बताऊँ। मसला ये आ रहा ना, मसला ये आ रहा, आपको जो है तो देवबंदी दूसरे जितने भी है ना मुसलमान, वो आप मुसलमान समझते ही नहीं उनको, आप
देखिए मुसलमान होता है जो मानते बस उन्हीं को जो है तो बस आपको मुसलमान समझते, इसके अलावा दूसरों को समझते ही नहीं। क्या चीज क्या चीज हर किसी के अंदर है। दोबारा बोलिए, मेरे समझ में नहीं आई बात, मेरे समझ में नहीं आई। अहमद रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं जिंदगी को नाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह को जो लोग मानते बस वही मुसलमान है आपकी नजर। देखिए नहीं नहीं, ऐसा मैंने हरगिज नहीं कहा। मैं हर उस शख्स को मुसलमान मानता हूँ जो वफादार रसूल है, और मैं हर उस शख्स को काफिर मानता हूँ जो गद्दार रसूल है। तो फिर पूरा देवबंदी, चाहे वो देवबंदी हो, क्या अहले हदीस हो, शिया हो, क्या कादियानी हो, ठीक है, अहले सुन्नत वल जमात ही इस दौर में हक पर है। ठीक है, बेशक। हाँ, और अहले सुन्नत वल जमात तो देवबंदी भी है। नहीं, यही तो भूल है आपकी। अरे है साहब, भूल आपकी, भूल भूल, क्या मेरे बोलने से थोड़ी होने वाली है आपकी। नहीं नहीं साहब, आपकी भूल है। नहीं, मैंने तो देखा और अपने बात का एक मिनट करूंगा। देखिए, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आप हमारी बात नहीं। अपने मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, अपने बरेलवी मौलाना की मैं कई ऐसे बयाना सुनूंगा इंशाल्लाह, मैं अब जब रिकॉर्डिंग लूंगा उसके बाद में बात करूंगा आपसे कि कई ऐसी बातें हैं कि जो मैंने सिर्फ ईमान से खारिज होने वाले बयाना थे। देखिए, बरेली का रहने वाला हो या मदीने का रहने वाला हो या देवबंद का रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो जी, ठीक है जी, जो भी गुस्ताखे रसूल है, जो भी रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता है, जो भी अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी करता है जी, वो मुसलमान नहीं है, काफिर है। शरीयत की बातों का जो इनकार करता है, जो इग्नोर करता है, मान के नहीं देता, सुनता है और फिर वही करता है जो उसे मतलब, जैसे मान लीजिए शरीयत का अकीदा है, कुरान का फैसला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अता से गैब जानते हैं, ये जरूरियात दीन में से हो गया क्योंकि कुरान से साबित है। ठीक है जी, तो अब इसका इनकार करना क्या कुरान पाक की आयत का इनकार करना नहीं है? बेशक इनकार, तो जो बंदी इल्म गैब का इनकार करते हैं तो बताइए क्या कुरान पाक की आयत का इनकार नहीं किया? इनकार हुए ना, बेशक हुआ ना। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी ज्यादा इल्म क्या किसी और का है अल्लाह ताला के अलावा? अल्लाह के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा इल्म है, अल्लाह सबसे ज्यादा है ना जी, जितना सारी कायनात को मिलाकर इल्म है जी, समझे, सारी कायनात का जितना इल्म है वो सारा इल्म हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, और उससे भी बेशुमार बेहिसाब किताब ज्यादा जी है कि नहीं है? बेशक। अब इसकी पहचान मैं इस तरह बता दूं कि उस्ताद जो पढ़ाता है जी, वो बच्चे को उतना ही बताता है जितना उसकी कैफियत होती है समझने की जी, ना कि वो अपना इल्म उसके अंदर डालता है। बराबर है ना जी। आलिम आलिम होता है मगर एक अगर कायदे वाला पढ़ने वाला है तो कायदे के हिसाब से उसको बताता है, ना कि जो है वो कुरान पढ़ाने लगेगा या बीच में से पढ़ाने लगेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही बातें सहाबा में बयान की है, जो हमारी ताकत जिसको अल्लाह कबूल करे या जितना हम सीख सके। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो अलिफ बात आसा से शुरू करता है, बराबर है कि नहीं है? उसकी जितनी कैपेसिटी वो हिसाब से जो तो उस्ताद जो तो सीखेंगे ना। मगर वहाबी देवबंदी इस चीज को देखकर ये कहने लगते हैं कि नबी गैब नहीं जानते, और आयतें वो पेश करते हैं जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते इल्म या कुल इल्म की नफी की गई है, जहां पर बताइए। तो हुजूर की जो इस तरह से बात करता है कि हुजूर गैब नहीं जानते, हुजूर के लिए जो इस तरह की बातें करता है, वो मोहब्बत करता है कि नफरत करता है? वो तो नफरत ही हुई ना, नफरत हुई ना, जबकि कुरान खुद कह रहा है कि ये नबी गैब बताने में बखील नहीं है जी। तो जब कुरान ने ही कह दिया कि ये नबी गैब बताने में वकील नहीं जी, तो फिर अब ये कुरान को पढ़ने वाले लोग ये कुरान को पढ़कर जी फिर भी यही कह रहे हैं कि नबी गैब नहीं जानते, बताइए। अब बोलूंगा बात की बात, मैंने बहुत इससे सुना खामोशी से, बताइए बात सुन लो आप, कि इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ, मैंने बहुत आपके भी जो तो कई इसमें जो तो डिबेट सुना मैंने और दूसरे को भी सुना, तो मेरी एक बात समझ में आई, ये थोड़ा सा इख्तलाफ है ये अताई इल्म का और जाती इल्म का मामला है ये,
अल्लाह जल्ले शानहू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तो जितना भी इल्म दिया वो अताई इल्म है, वो बेशक सुभान अल्लाह है ना, अताई इल्म है। और हत्ता के कयामत के बाद भी क्या होने वाला है वो तक के इल्म जो है अल्लाह जल्ले शानहू, बेशक माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। हमारा भी यही अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला की अता से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म हासिल है, यानी जो हम नहीं जानते जी, जो हम नहीं जानते या हुजूर के अलावा दूसरे लोग नहीं जानते वो हुजूर जानते हैं। बेशक बता दिए ना अल्लाह, और ये बताया किसने जुम्मे के दिन कायम होता है, हाँ ये बताया किसने, जो है तो सूरज जो है तो निकलेगा, माहौल का जलील किया जाएगा, ये कयामत की अलामतों में जो आगे क्या होने वाला वो भी बता दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कौन दाखिल होगा मेरे उम्मत में से सब में पहले उम्मत ही कौन जन्नत में दाखिल होगा, माशाल्लाह सब चीजें बता दिया आपने। तो ये इसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि इतना जब इल्म है आप यानी किसी को हो नहीं सकता ना ये अल्लाह। एक और चीज मैं आपको समझा दूं, चलिए माशाल्लाह आपका अकीदा दुरुस्त है, मैं एक और चीज समझा दूं आपको जी। आप नमाज देवबंदियों में ही पढ़ते होंगे? नहीं, मैं दोनों तरफ पढ़ा, काली मस्जिद है हमारे पास में, अपने बरेली मसलक की मस्जिद है वहाँ पे भी जाके पढ़ता मैं। अहले हदीस में ही पढ़ते होंगे? नहीं, अहले हदीस में झूठ नहीं बोलूंगा मैं, वो मस्जिद में अभी तक गया नहीं। और देवबंदियों की तरफ से मना भी है कि देवबंदियों के पीछे नमाज, वो देवबंदियों की नमाज अहले हदीसों के पीछे नहीं होती। मुफ्ती अब्दुल रहमान का नाम सुना है ना, पाकिस्तान वाले का, इलियास घुम्मन के शागिर्द का, इलियास घुम्मन, हाँ इलियास घुम्मन का शागिर्द जो है, कुछ बात बयान सुने हुए मैंने, बहरहाल उसका बयान सुन लीजिएगा अगर ना सुना हो तो। कहता है कि इन अहले हदीसों के पीछे जी देवबंदियों की नमाज नहीं है, ठीक है, वो उसमें पूरी वजाहत करता है, मैं शॉर्टकट में सिर्फ आपको बता देता हूँ। तारिक जमील, वो तारिक मसूद कहता है कि वहाबियों के पीछे भी नमाज हो जाती है, मगर वो कहता है कि वहाबियों के पीछे नमाज नहीं होती। अच्छा, दोनों आपस में लड़ रहे हैं जी, समझे जी। तारिक जमील जबकि हमारे पीछे नमाज पढ़ने को मना कर रहा है, हालांकि ये सारे जमाती हमारी मस्जिदों में जाके हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं जी, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, जमात लेके जाते हैं तो पढ़ते हैं ना जी, जबकि इनको ये मालूम है कि हम किसकी मस्जिद में आए हैं जमात लेके धोखा देने, है ना। और सादे लोग सुन्नी लोग जानते ही नहीं, ये कह देते हैं अरे यार नमाज के लिए आए हैं, नमाज की दावत देने आए हैं जी। बहरहाल मैं कहीं और कुछ बताने जा रहा था आपको, वो मेरे जहन से बात निकल गई। चलिए हाँ, बस इतना बता दूं, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे जी कि जिस इमाम की किरात अच्छी ना हो, जिस इमाम के लफ्ज दुरुस्त ना हो जी, ठीक है जी, लफ्ज समाना यानी जी ए मखरज, हाँ मखरज, जिसका मखरज बदल जाए, माना बदल जाए जी, जैसे जा को जीम में तब्दील कर दे, जीम को जा में तब्दील कर दे जी, है ना, रुआ को जीम या जाल में तब्दील कर दे, है ना, मतलब ता को त्वा में, त्वा को ता में तब्दील कर दे, छोटी है को बड़ा है पढ़ ले, बस बस बस, हाँ जी, मतलब ही बदल जाते ना, मतलब ही बदल गया, माना ही बदल गया, माना बदल जाते, ठीक है जी। नमाज होना तो दूर की बात जी, बाज वक्त ऐसा मौका भी आ जाता है कि इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। अच्छा, अगर बाज माना ऐसा ले लिया, उसने ऐसा हो गया, ऐसा लफ्ज आ गया कि उससे गलत माना जाहिर हो गया, अच्छा, तो फिर कुफर होगा कि नहीं होगा? जानबूझकर करेंगे तो कुफर। अरे यार, नहीं सुनो ना, ये तो देखो जानबूझ कर होगा, फतवे भी हो गया तो माफ कर दूंगी दुनिया, वो तो अल्लाह है। बहरहाल अगर सुनो, अगर आप मेरे को मालूम है, मैं सिर्फ इतना समझा दूं आपको जी जी, जिसकी किरात अच्छी ना हो जी, जिसके लफ्ज दुरुस्त ना हो, अदायगी अच्छी ना हो जी, है ना, यानी जो माना चेंज हो जा रहा है जी, जो मैंने बताया आपको मखरज वाला, बराबर ठीक जी, तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होती जी। तो जिसके पास ईमान ही नहीं है जी, जिसका ईमान ही दुरुस्त नहीं है, उसके पीछे नमाज कैसे हो जाएगी? उसकी इसलाह करना पड़ेगी, बाज जगह क्या होता है, इसीलिए मैं आपकी इसलाह कर रहा हूँ। हाँ ना, बेशक करो ना, बिल्कुल आप तो है सर, मैं कबूल नहीं कर रहा इसी बात में, हाँ इसीलिए मैं आपकी इसलाह कर रहा हूँ, ताकि माशाल्लाह मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी और आपने जो बताया है वो सही बताया है जी, समझे, हाँ।
इसमें क्या है, अच्छा मैं मिसाल के तौर पर, मैं तो आलिम हाफिज नहीं है, लेकिन आप मेरे पीछे नमाज नहीं, नहीं, काफी मतलब आप द्वारा क्या किया गया था, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि आलमीन से नहीं पढ़ा मैंने, तो आप क्या करेंगे, मेरी इस्लाह करेंगे नमाज के बाद? नहीं इस्लाह करेंगे, ठीक है, नूर हसन भाई, तो आप समझाना ये चाहता हूँ आपको, आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़े जबकि आपको पढ़ना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना। अब मैंने आपसे दिए, मैं समझ गया, अब उसके बाद भी फिर मैं आलमीन पढ़ रहा हूँ तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी मेरे पीछे, मैं जान लू। मैंने उसे घर बताया था जी, हाँ भेज दो, कहा तुम्हारे पास है क्या? अच्छा क्यों? अच्छा चलो ठीक, कहाँ गया घर को? चलो चलो ठीक सही जी। हाँ तो होगी बात आपकी, हाँ 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 जी, बार बार कॉल आ रहा था जरा। मिसाल के तौर पे आप मेरे पीछे नमाज पढ़ो, है ना, और मैंने जो तो नमाज में पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आप नमाज के बाद क्या करेंगे? आप बोलेंगे मेरी इस्लाह करेंगे कि देखिए साजे साहब, आपने जो है तो आलमीन पढ़े, वो आलमीन पढ़ना चाहिए। आप दूसरी बार को जो है तो मैं फिर आलमीन पढ़ रहा था, आपकी नमाज नहीं हुई, पहली बार हो गई ऐसा है ना, पहली बार होगी या दोबारा होगी, आप परवा ले लीजिए किसी भी आलिम से, आपकी रात गलत करेंगे जी, तो आलिमों से मैं जानकर ही ये बात कर रहा हूं, मन बुझ कर अगर करेंगे वो तो बिल्कुल नमाज नहीं होगी आपकी, मैं जान रहा हूँ, तो मेरी नमाज कैसे हो जाएगी? नहीं होगी ना। नहीं तो आप यहाँ मुझे करना क्या है जी, के जो लोग आपके मोतकिद हैं वो तो मेरी बात को मानेंगे नहीं, मुझे करना ये है कि मैं आपके पीछे नमाज ना पढूं, मुझे करना ये है कि मैं आपके पीछे नमाज ना पढूं, अपने आप को तो रोक ही सकता हूँ ना, तो दूसरी बार अपने पढ़ेंगे ना, पहली बार तो आप सफर में है फॉर एग्जाम्पल, नहीं मैं तो दोहराऊंगा उस नमाज को जी, आपको मसले मसाइल से ज्यादा वाकफियत नहीं है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पहली तीन आयत अगर सही पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी। अरे भाई जब पहले ही हरफ में आपने गड़बड़ी कर दी तो फिर तीन आयत मेरे पास, सुनिए सुनिए, जब आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, तो फिर जब पहली ही आयत में आपने गड़बड़ी कर दी तो तीन आयतें कहाँ से ले हो गए आप? नहीं तो एक मिसाल दिया मैंने भैया, मिसाल ही मैं दे रहा हूँ, तीन आयत मैं देख रहा हूँ कि इस आदमी की तिलावत अच्छी नहीं है तो नमाज नहीं होगी, और फिर मुझे वो नमाज दोहराना होगी, ये है मसला जी। हाँ बराबर, चलिए मैं अभी थोड़ा बिजी हो गया, मैं इंशाल्लाह बाद में बात करूंगा जी, ठीक है, आप मगर मुझे लगा ऐसा कि तारिक जमील साहब जो है बरेलवी बन चुके हैं जी, मुझे ऐसा लग रहा है तारिक जमील साहब अपने बेटे के मरने के बाद बरेलवी बन चुके हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जो बरेलवी में होता है, मैं वही बात करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ समझाना चाहूंगा आपको जी, जब ये सारे काम गलत हैं और बिदत हैं और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाला काम है जी, तो फिर ये तारिक जमील इतनी डट के इतने धड़ल्ले से ये इतनी बिदतें कर क्यों रहे हैं जो बरेलवी लोग करते हैं? अभी ये बना मरे कई कई देवबंदियों के उसमें जो तो कुरान खानी भी मैंने पढ़ा, कई देवबंदियों तो उसके अंदर मैंने जो तो दुआएं भी फातिहा हाँ, मगर ये छुप छुप के करते हैं, आप जो बोल रहे हैं ना ये समझ में नहीं आ रही बात, ये सारे काम छुप छुप के करते हैं, बरेली करते हैं और छुप छुप के अपने आप करते रहते हैं, तो वहाँ छुपके तक दफना रहे क्या? ये अहले हदीस लोग इनको मुशरिक कहते हैं, इसलिए अहले हदीस लोग इनको मुशरिक कहते हैं और कहते हैं कि बरेलवी जो है वो जो भी करते हैं खुल्लम खुल्ला करते हैं और देवबंद जो है वो छुप छुप के करते हैं, छुपके मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना कुरान कहानी, और वो तो भला हो उस वीडियो बनाने वाले का, वो तो भला हो उस वीडियो बनाने वाले का कि सारी चोरी देवबंद की पकड़ी गई, देवबंद की सारी चोरी पकड़ी गई। और हाँ एक और चीज, अभी हाल फिलहाल में जी देवबंद के मदरसे में समझे जी, मदनी हॉल में जी, अभी एक औरत आई जो गवैया थी, गजले गाने वाली, गाना गाने वाली,
और उसने जो है बड़ी धूमधाम से बड़ी मस्ती के साथ वहाँ गाने गाए, मतलब गजलें गाई। अच्छा। और वहाँ के जो तालिबे इल्म थे, वहाँ के जो पढ़ने वाले थे, बड़े जोश में थे। अच्छा। हाँ, बड़ी उछाले मार रहे थे, कोई कपड़ा हिला रहा है बड़े धूम धमाके से, पहली बात है। कोई कुछ कर रहा है, कोई मतलब क्या मैं बताऊं कि मंजर ही निराला है यार, क्या क्या कर रहा है, कैसे मैं बताऊं उस बात को। उस लिंक शेयर करेंगे आप मेरे को? लिंक क्या शेयर करेंगे, मैं वीडियो भेज देता हूँ आपको अभी। वीडियो भेजो आप मेरे को। चलो, अरे मेरे चैनल में चले जाओ, दो तीन वीडियो नीचे ही है। ठीक है ना, इस वीडियो के दो तीन वीडियो नीचे चले जाओ, इसी में ही है ये। अच्छा, ये तो ज्यादा मुनासिब रहेगा, देख लो देख लो, इस वीडियो में नीचे चले जाओ। दूसरी बात ये है कि गैर औरत को जो है तो उसका तो जो है तो आवाज का जो पर्दे का उसका देवबंदियों का अमल क्या है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो है तो कुरान की तिलावत कर रहे थे घर के अंदर। वो सारी बातें सही है, मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ। देवबंदियों का करना कुछ है, कहना कुछ है। देवबंदियों के सुनिए, देवबंदियों की जो हालत है वो ऐसी है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मैं आपसे हकीकत बात है, चलिए खैर, मैं फोन रखता हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, काम में हूँ, बाकी मैं बाद में बात करता हूँ इंशाल्लाह।